तपस्या करते हो, जब वो तपस्या सत्य की होती है, वो तपस्या न्याय की होती है, तो उसमें लाख परेशानियां आए, उन परेशानियों को आप मुस्कुरा के सामना करते हो और चलते रहते हो। राहुल जी के भी अलग अलग सेशन होते हैं, किसानों से मिलना, अलग अलग लोगों से मिलना, सिविल सोसाइटी के लोगों से मिलना। 3 बजे यात्रा प्रारंभ होती है। स्कैनर के अंदर हमारी पूरी डिटेल है कि हम कहाँ से हैं, कैसा क्या है, उसके अंदर पूरी कंप्लीट डिटेल है भारत यात्री के लिए जो कन्याकुमारी से साथ चल रहे हैं। चेहरे तक अपनी नफरत लाया तो था, मैंने उसके हाथ चूमे और बेबस कर दिया। कितनी भी नफरत की ताकतें हों, हम प्यार और मोहब्बत से इस देश के अंदर अमन और शांति लेकर आएंगे। जय हिंद। नमस्कार, अभी हम महाकाल की नगरी उज्जैन में हैं और यहाँ पे भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और हमारे साथ भारत यात्री हैं, यानी कि जो कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक जा रहे हैं और हम भी इस यात्रा में आए हुए हैं। तो भारत यात्रियों से बात करेंगे और ये जानने का प्रयास करें किन किन समस्याओं, करीब 5-6 राज्य ये लोग क्रॉस कर चुके हैं और अभी आगे जाना है, किन किन समस्याओं को झेलना पड़ रहा है और क्या क्या दिक्कतें हो रही हैं, जो अफवाह है आज के समय में न्यूज़ मीडिया फैला रहा, जो हकीकत है या क्या नहीं है। परेश भाई, सबसे पहले स्वागत। नमस्कार साथियों, मैं परेश नागर मध्य प्रदेश का निवासी हूँ, रायसेन मेरा जिला है, ग्राम देवटिया में रहता हूँ और कांग्रेस का एक कार्यकर्ता हूँ और भारत यात्री हूँ। राहुल जी के साथ साथ सितंबर से कन्याकुमारी से कश्मीर श्रीनगर तक यात्रा में शामिल है। यात्रा में जैसे अजीत भाई ने कहा कि क्या परेशानियाँ रही, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये यात्रा जब राहुल गांधी जी ने शुरुआत करी, राहुल गांधी जी ने जैसे इस यात्रा में कहा कि ये यात्रा मेरे लिए तपस्या है, तो मेरा ऐसा मानना है मेरे लिए और हर एक भारत यात्री के लिए ये तपस्या हो। जब आप एक तपस्या करते हो, जब वो तपस्या सत्य की होती है, वो तपस्या न्याय की होती है, तो उसमें लाख परेशानियां आए, उन परेशानियों को आप मुस्कुरा के सामना करते हो और चलते रहते हो। पैर में छाले हों, तबीयत खराब हो, उसके बाद भी ये यात्रा निरंतर जारी है और ये यात्रा श्रीनगर के पर ही जाकर रुकेगी। राहुल जी एक ऐसा नाम है, जब राहुल जी सुबह यात्रा में निकलते हैं और जब वो चलते हैं, उनके चेहरे पे जो मुस्कान होती है सुबह 6 बजे जो मुस्कान होती है, वो मुस्कान रात्रि 10 बजे भी होती है। उस मुस्कान के साथ जो हौसला सारे भारत यात्रियों को मिलता है, उसी हौसले के साथ हम लोग चलते हैं। 5 राज्यों से यात्रा निकल चुकी है, 6ठा राज्य मध्य प्रदेश है। जो लोगों का प्यार इस यात्रा को मिल रहा है, वो एक ऊर्जा हम लोगों को देता है, उस ऊर्जा के साथ हम निरंतर चल रहे हैं और आने वाले जो भी प्रदेश है, हम ऐसा मानते हैं कि वहाँ भी इतना प्यार, इतनी मोहब्बत इस यात्रा को मिलेगी, क्योंकि ये यात्रा प्यार और मोहब्बत की यात्रा है और इस यात्रा इस देश की यात्रा है। जो नफरत इस देश के अंदर फैलाई जा रही है 2014 के बाद से, उस नफरत को खत्म करने की ये यात्रा है और हम प्यार और मोहब्बत से इस देश को, इस देश के लोगों को जीतेंगे। सवाल खड़ा हो रहा, जैसा अभी पीछे देखे तो ये सारे कंटेनर लगे हुए हैं कि शुरू में कि कंटेनर मेसी है तो ये व्यवस्थाएं हैं तो कोई समस्या ही नहीं है, इसमें कितनी सच्चाई है? ये सब फालतू की बात है, जो सवाल जो लोग उठाते हैं, हम तो उनसे कहना चाहते हैं कि वो एक दिन आए और हमारे साथ रात गुजारे, तब उन्हें पता चलेगा कि क्या सुविधाएं हैं, क्या हमारा जो डेली का शेड्यूल है। रात सुबह हम 4 बजे उठते हैं, 6 बजे से यात्रा प्रारंभ होती है। अच्छा, पूरा थोड़ा डिटेल्स मतलब जो भी दर्शक हैं जो देख रहे हैं कि सुबह से शाम तक का यात्रा का क्या मतलब, कैसे सुबह से शाम तक का जो शेड्यूल है हमारा। हम सुबह 4 बजे उठते हैं सारे भारत यात्री, नहाना नाश्ता वगैरह करके 6 बजे से यात्रा प्रारंभ होती है। यात्रा का जो पहला पड़ाव होता है वो 6 से 10 बजे होता है। तकरीबन 13 किलोमीटर का हम वॉक करते हैं, पैदल चलते हैं। उसके बाद 10 बजे से दोपहर के 3 बजे तक हमारा आराम होता है। आराम वाला जो समय होता है उसमें भी सब भारत यात्री कुछ न कुछ विषयों पर चर्चा करते हैं। राहुल जी के भी अलग अलग सेशन होते हैं, किसानों से मिलना, अलग अलग लोगों से मिलना, सिविल सोसाइटी के लोगों से मिलना। 3 बजे यात्रा प्रारंभ होती है, दूसरे पड़ाव में तकरीबन 12 किलोमीटर का सफर होता है, तो शाम को 6 बजे तक चलता है। 6 बजे जाने के बाद सारे भारत यात्री अपने कंटेनर में जाते हैं, नहाना फिर से वापस सारी चीजें होती है, खाना खा के थोड़ा एक फीडबैक सेशन होता है और हमने एक मोबाइल लाइब्रेरी खोली हुई है, तो पढ़ने के लिए किताबें हैं, सारी चीजें हैं, वो सब करते हैं। तो पूरा दिन व्यस्त होता है सब कुछ। 10 दिन में एक छुट्टी होती है, उस दिन
हमारे और भी काम होते हैं, कपड़े धुलना, सारी चीजें वो सारे भारत यात्री करते हैं, तो पूरे नियम के साथ ये अच्छा, कपड़े धोना वगैरह सब खुद से करना होता है? बिल्कुल, कपड़े हम खुद धुलते हैं, कुछ कपड़े लॉन्ड्री भी जाते हैं, इतने नहीं जा पाते हैं तो छुट्टी वाले दिन धुलते हैं, जूतों से लेकर सारा धुलना सारा काम हम स्वयं करते हैं। तो जिन लोग जो सवाल इसमें खड़ा कर रहे हैं, हम तो उनका बिल्कुल स्वागत करते हैं कि एक दिन आए और हमारे साथ व्यतीत करें, तो आपको पता चलेगा कि क्या है यात्रा और कैसे हम यहाँ जीवन जी रहे हैं। उसके बाद भी खुश हैं क्योंकि हम देश बचाने के लिए निकले हैं, देश में प्यार और मोहब्बत के लिए निकले हैं। अच्छा एक चीज बताइए, सबसे ज्यादा 5-6 छठा राज्य है ना, सबसे ज्यादा प्यार किस राज्य में मिला भारत यात्रियों को? ये कहना बड़ा मुश्किल है क्योंकि ये पूरे देश की यात्रा है, तो इसमें ये कहना कि किस में सबसे ज्यादा प्यार मिला, जितने भी राज्यों से निकले हैं, जिन राज्यों ने जितना भी हो सका ज्यादा से ज्यादा हम लोगों को प्यार दिया है, और जितना वो लोग कर सकते उससे ज्यादा हम लोगों के लिए करा है, तो ये नहीं कह सकते कि एक, क्योंकि हम पितृसत्ता के अधीन लोग नहीं है कि हम ये बोले एक या दो, हमारे लिए हर चीज बराबर है और बराबरी की लड़ाई है, जो बराबरी के साथ हम करें। ऐसा कहा जा रहा है मतलब विपक्षी पार्टियों जो सत्ता में लोग हैं बैठे हुए यानी बीजेपी वाले, वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि भारत टूटा कब था कि जोड़ रहे हैं। देखिए ये भाजपा जो है ना, भाजपा इस यात्रा से भोखलाई हुई है, तो कुछ भी, कभी वो टी शर्ट ले आते हैं राहुल जी, कभी जूता जूते ले आते हैं, कभी कुछ, इनके पास अब कुछ नहीं बचा। ये लोग सिर्फ कीचड़ उछालने वाले लोग हैं, इससे ज्यादा ये कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यात्रा की जो सफलता है वो आप देखिए, लोग घरों से सुबह 6 बजे आके राहुल जी को देखने के लिए खड़े हुए, ठंड में खड़े हुए होते हैं, जब 6 बजे यात्रा लेती है फूलमाला वगैरह कुछ लेकर खड़े हुए, क्योंकि उनको मालूम है कि ये यात्रा इस देश के लिए क्या है। इस देश के अंदर जिस तरह से नफरत परोसी जा रही है हिंदू मुस्लिम के नाम पर, जाति के नाम पर, उनको पता है कि एक व्यक्ति निकला है अकेला और पूरी दम से निकला है और उसके पीछे पूरा देश चल पड़ा है। हाँ, तो ये लोग तमाम कोशिशें करें रोकने की, फिर भी राहुल जी नहीं रुकेंगे। ये यात्रा दिन ब दिन ऐतिहासिक होती जाएगी और इतिहास के उन सुनहरे पन्नों में दर्ज हो जाएगी, जिसे भाजपा तो क्या, आने वाले समय में भी उसके आसपास भी कोई भटक नहीं सकता। आप एक भारत यात्री हैं, आपके अनुसार क्या लग रहा है 2024 में कांग्रेस आ रही है? देखिए राजनीतिक तौर पर मैं ये कहना चाहूंगा, सबसे पहले तो इस यात्रा का जो मेन उद्देश्य है वो उद्देश्य है कि जिस तरह देश के अंदर नफरत का जो एक तरह का कारोबार बिछाया जा रहा है, हम बार बार देख रहे हैं, चाहे वो बिहार हो, यूपी हो, मध्य प्रदेश का खरगोन हो, अलग अलग राज्यों में जिस तरह से हिंदू मुस्लिम की बातें हो रही है, पूरा सिस्टम भाजपा की गोद में आके बैठ गया है, विपक्ष की आवाजें कई बार दबाई जा रही हैं, कई लोगों को जेल में ठूसा जा रहा है, उसके बाद भी कोई व्यक्ति निकला है तो उसके जहन में सिर्फ एक चीज है कि मुझे इस देश के अंदर प्यार और मोहब्बत कायम करना है, ये लड़ाई वो है, उसके लिए निकले हैं 2024 में। सत्ता पाना जरूरी नहीं, कभी कुछ पाना जरूरी है तो इस देश में अमन शांति और प्यार पाना जरूरी है, ये यात्रा अमन और प्यार की यात्रा है, हम उसी उद्देश्य के साथ हम इस यात्रा में निकले हैं। थोड़ा सा देखिएगा तो मैं इनका आई कार्ड दिखा दूँ परेश भाई का, तो देखिए भारत जोड़ो यात्रा परेश नागर जो कि भारत यात्री, और ये इनका स्कैनर है। अच्छा ये स्कैनर का क्या मतलब? स्कैनर के अंदर हमारी पूरी डिटेल है कि हम कहाँ से हैं, कैसा क्या है, उसके अंदर पूरी कंप्लीट डिटेल है भारत यात्री के लिए जो कन्याकुमारी से साथ चल रहे हैं, उसमें सारी डिटेल स्कैन आप करोगे तो सारी डिटेल उसमें आ जाती है। क्या कहिएगा जो लोग हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं उन लोगों से क्या अपील करिएगा भारत जोड़ो यात्रा को? उन लोगों से यही कहना चाहूंगा कि हो सके तो इस यात्रा का हिस्सा बनिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इस यात्रा में आके हिस्सा बनिए, आप जिस क्षेत्र से हैं, जिस जगह से हैं, वहाँ आवाज उठाइए, लोगों के लिए लड़िए, जिस तरह से जो नफरत का व्यापार इस देश के अंदर हो रहा है उसके लिए प्यार और मोहब्बत के साथ आवाज उठाइए, घरों से निकलिए, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ चुनावी लड़ाई नहीं है, ये भारत के भविष्य की लड़ाई है और आने वाली पीढ़ियों को हम कैसा देश देना चाहते हैं उस देश की लड़ाई है। गांधी ने जो इस देश के अंदर 1947 में इस देश के लिए आजादी के लिए, चाहे वो गांधी हो, नेहरू हो, भगत सिंह हो, चंद्रशेखर हो, सुभाष बाबू हो, जो लड़ाई मिलकर लड़ी है, तो वही एक लड़ाई इस देश में पुनः 2024 के लिए लड़ी जा रही है, तो उसका हिस्सा बनिए और इसे ऐतिहासिक, आप जिस जगह हैं अपने घरों से बस भारत जोड़ो का संदेश आम लोगों को दीजिए। और मैं दो लाइनों से अपनी बात खत्म करूंगा कि वो मेरे चेहरे तक अपनी नफरतें लाया तो था, मैंने उसके हाथ चूमे और बेबस कर दिया। कितनी भी नफरती ताकतें हो, हम प्यार और मोहब्बत से इस देश के अंदर अमन और शांति लेकर आएंगे। जय हिंद जय हिंद। एक सवाल रहेगा, देखिए याद आ गया मुझे, अब तो मैं खत्म करना, लेकिन याद आ गया,
दाढ़ी बढ़ा हुआ है जी, राहुल जी का भी बढ़ा है। हाँ। इस पे उंगली उठाई जा रही है, एक कोई बीजेपी के नेता है, मुझे नाम उनका ध्यान नहीं आ रहा है, बोल रहे हैं कि आसाराम की तरह दाढ़ी बढ़ा लिए हैं। हाँ। इस पे क्या कहिए? देखिए, दाढ़ी का जो कल्चर इस देश का है ना, हाँ। अभी का नहीं, सनातन की, मतलब कुछ कितना भी दाढ़ी बढ़ा ले, नरेंद्र मोदी नहीं बने। ठीक ठीक ठीक, नरेंद्र जो मोदी है ना, नरेंद्र मोदी की दाढ़ी राज्यों के साथ, बंगाल में वो गए टैगोर बन गए, जिस राज्य में जाते हैं वैसा गेटअप कर लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दाढ़ी रखना वो हमें चूज करना है ना, हमें क्या रखना है, लड़ाई तो वही है ना, इस देश में अधिकार की लड़ाई है ना। अब भाजपा तय करेगी कि हमें दाढ़ी रखना है कि नहीं रखना है, ये हमारा अधिकार है ना, संविधान ने हमें अधिकार दिया है। तो ये टिप्पणी करना, ये एक ओछापन है भाजपा का, और वो हर जगह करती है। तो इससे कुछ नहीं होगा कि आप सद्दाम से तुलना कर दो, किसी से तुलना कर दो, यानी आप तुलना कर रहे हैं तो आपके जहन में चोर है, इसलिए आप ऐसी बातें करते हैं। तो सुन सकते हैं, ये थे परेश भाई, और हम अपने चैनल के माध्यम से दिखा रहे थे, और हमारे साथी हैं, तो ये मिल गए, और बातें भी होती रहती हैं भारत यात्रा को लेकर के। तो भारत यात्रा, ये जोड़ो यात्रा जो चल रही है, और फिलहाल उज्जैन यहाँ से 10 किलोमीटर होगा। हाँ बिल्कुल, उज्जैन महाकालेश्वर के नगरी यहाँ से 10 किलोमीटर है। तो चलिए, बने रहिए, और वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक फॉलो करिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।